नारद जी ने कहा हमसे कुछ मांग लो। तो किसान ने कहा प्रभु वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ है, क्या मांगे, आपकी बड़ी दया है हमारे ऊपर, पर एक दुख है महाराज। क्या? बोले हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, अगर कृपा हो सके तो एक पुत्र हमको दे दो, ऐसा वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो, कुछ कृपा कर दो जिससे पुत्र हो जाए। अरे बोले चिंता मत करो, हम आते हैं भगवान से बात करेंगे फिर आपको बताएं। नारद जी नारायण के पास गए, नारायण से कहा प्रभु एक पुत्र चाहिए। बोले किसको? एक किसान है, उसको महाराज गृहस्थी है, बड़ी साधु सेवा करता है, बड़ा वैष्णव है। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो उसको पुत्र नहीं हुआ? बोले बहुत साल हो गए साधु को अभी तक पुत्र नहीं हुआ। अच्छा ठीक। ब्रह्मा जी को बुलाया, उनके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जी जरा माफ कर देना, एक जन्म की बात छोड़ो कई जन्मों तक नहीं, ऐसा कर्म है उसका, एक जन्म की तो बात छोड़ ही दो, कई जन्मों तक पुत्र नहीं है। नारायण जी ने कहा प्रभु हम उसको कह के आए। बोले कह के आए वो अच्छी बात है, पर जो कर्म है उसको विधान कैसे तोड़ा जाए? विधान थोड़ी तोड़ा जा सकता है, कह दो। नारद जी आए, नारद जी ने कहा भाई देखो थोड़ा ध्यान रखना, अब इसमें बुरा माने कौन बेटा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, अभी नहीं होगा तुमको। नारायण भगवान ने कहा भाई कर्म का विधान ऐसा है कुछ तुम्हारा कि एक जन्म नहीं दो तीन जन्मों तक चक्कर चलेगा। बड़ा दुखी हुआ। अब नारद जी चले गए समझा बुझा के, भजन करो ये करो वो करो। कुछ समय बाद उस गांव में एक साधु आए, और जब वो साधु आए तो वो साधु कह रहे हैं एक रोटी दो एक छोरा लो, एक रोटी दो एक छोरा लो। अब ये बात किसान ने सुन ली, किसान बोले वो बाबा जी तो कई जन्मों की कह गए होगा ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि एक रोटी दो और एक छोरा लो। 11 रोटी लेके गया महाराज, 11, एक आध रोटी मिस भी हो जाए तो एक आध तो आएगा, तीन चार जन्म के लग भी जाए उसके बाद तो आएगा। ले महाराज रोटी खाओ 11 रोटी पवाइन चकाचक, और घी भूरे के संग दही लगा के साधु संत आ जाए तो हो सके तो मीठा खिलाओ। आजकल थोड़ा कम खाते साधु संतों को मीठा खिलाओ, ब्राह्मण कथाकारों को नहीं। एक कथाकार कथा कह कह के बैठ बैठ के मोटे हो जाते हैं, इसलिए इनको मत खिलाओ मीठा ज्यादा। जितने भी साधु संत संसार में भ्रमण कर रहे हैं पहले ही आए, पहले मीठा खाओ महाराज लीजिए। तो महाराज खूब मीठा खिलाया, 11 रोटी खिलाए। बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपका नारा है ना एक रोटी दो एक बेटा लो वही चाहिए। कितनी रोटी लाए? बोले 11। 11 लाए महाराज, 11 में से एक आदमी मिल गया तो कल्याण। बोले 11 ही होंगे तेरे, जा 11 ही छोरा होंगे तेरे। सांची महाराज, अरे क्या बात करता है, 11 होंगे जा, कह दी। और देखो साधुओं की लीला, कुछ समय बाद 11 ही छोरा भाई वाके जा, एक संग नहीं भाई टेंशन मत लो, 11 ही भाई। पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देना पड़ता ही नहीं, नहीं तो काफी लोग कहेंगे मोरे 11 भगवान के यहां तो पहले जमाने में तो हजार हजार एक साथ होते थे, किसी का 1000 बेटा किसी का 1,00,000 बेटा, तो 1,00,000 बेटा बाप रे बाप, रावण के 1,00,000 बेटा है, तो खैर 11 बेटा बाबा जी ने कह दिया 11, और 11 हुए। कुछ समय बाद नारद जी को लगा वो वैष्णव अच्छा था, चलो उसके यहाँ फिर चलते हैं। और कुछ समय बाद जब नारद जी आए तो देखा वो अपने आंगन में 4 इतकू खेल रहे हैं, 4 इतकू, 2 आगे 1 पीछे, 8 3
ग्यारह नारद जी के वीणा के तार जो है धीरे धीरे डगमगाने लगे. व्हाट इज दिस माय डियर. फिर मन में आया ऐसा लगता है बेचारा ना पड़ोसियों के बच्चों से खेल रहा होगा, अपने तो है ही नहीं. वाह वाह वैष्णव वाह, क्या बात, क्या स्वभाव है तुम्हारा. बताओ पड़ोसी के बच्चों से भी ऐसे खेल रहे हो जैसे तुम्हारे खुद के. महाराज प्रणाम, ये खुद के ही हैं. हैं? हाँ खुद के ही हैं, ये पड़ोसी के ना है. और सुनो रहो, ये बीड़ा बीड़ा उठाओ, करताल बड़ताल, तुम ढोंगी बाबा जी हो तुम. हमने एक छोरा मांगा तो हमसे क्या कह दिया, तेरे भाग्य में नहीं है. बताओ इस जन्म में तो सबर भी कर लेते, चार पांच जन्म की और कह गए. महाराज भोजन करो, पानी पियो, जाओ यहां से. नारद जी बोले सांची सांची बताओ तुम्हारे ही हैं? बोले हाँ हाँ हमारे ही है महाराज. अब तुम न दोगे तो कोई और न देगा, सब तुम्हारी तरह ही थोड़ी है बाबा जी. नारद जी बोले कैसे मिले? बोले एक महात्मा आए महाराज, एक महात्मा, वो कह रहे एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी दो एक बेटा लो. ऐसे होते महात्मा, रोटी के बदले बेटा. और आप थे कि पाके सात जन्म की गारंटी और ले गए बेटा होगा ही नहीं. नारद जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया. बताओ धरती का बाबा जी एक बेटी के एक रोटी के बदले एक बेटा दे गया, और यहाँ हम ऊपर से आए और भगवान से कहा प्रभु हमें बड़ी शिकायत है आपसे. क्या शिकायत है? बोले ये शिकायत है महाराज, हमने जब उसके लिए एक बेटा मांगा तो एक नहीं दिया गया, और महात्मा के एक रोटी के बदले एक बेटा और ग्यारह बेटा दे दिया आपने.